वर्चस्व को लेकर चल रही गैंगवार में प्रतिद्वंदी अपराधी के भाई की कुएं में फेंककर हत्या कर दी गई थी। मोमिनपुरा क्षेत्र में हुई इस वारदात को आज एक महीना हो गया है, उसके बीच इस मामले में नया खुलासा हुआ है। आइए देखते हैं विस्तार से। दरअसल मृतक मोहम्मद फरहान उर्फ अन्ना मोहम्मद नियाज नाजा उम्र 19 वर्ष बोरियापुर निवासी है। जहां इस मामले में तहसील पुलिस ने एक आरोपी लतीफ उर्फ हैदराबादी ताजुद्दीन शेख उम्र 20 साल को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि वारदात का सूत्रधार मोहम्मद शाहिद उर्फ MPTA मोहम्मद असलम उम्र 30 साल, अब्दुल वसीम उर्फ वसी अब्दुल अजीज उम्र 25 साल, रेहान उर्फ मोटू मुक्का रियाज शेख उम्र 25 साल, जुनैन मोहम्मद असलम उम्र 25 साल, इरफान उर्फ गजनी रहमान खान उम्र 25 साल पिछले एक महीने से फरार है। आपको बता दें कि फरहान उर्फ अन्ना के भाई अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। एक भाई अजमान हत्या के प्रयास के प्रकरण में जेल में है। वारदात के सूत्रधार शाहिद उर्फ MPTA की अन्ना के भाई अजमान ने पिटाई की थी। वही शाहिद को अजमान द्वारा मोमिनपुरा में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए उसकी पिटाई किए जाने का संदेह था और इसी का बदला लेने के लिए वह अजमान को सबक सिखाना चाहता था। अजमान को पांचवाली पुलिस ने जानलेवा हमले के एक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी से शाहिद की योजना फेल हो गई। इसी दौरान शाहिद ने साथियों की मदद से कपिल नगर में मवेशी तस्करी के विवाद में प्रतिद्वंदियों पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद वह भी फरार हो गया। इसी दौरान उसने अजमान से पिटाई का बदला लेने के लिए उसके भाई अन्ना की हत्या की योजना बनाई। इसमें अन्य साथियों को भी शामिल किया। 21 अप्रैल की रात मोमिनपुरा से लतीफ की मदद से अन्ना को अगवा किया। उसे जबरन बाइक पर बिठाकर पासवाली के नोका फैक्ट्री परिसर में ले गए। वहां शाहिद के दूसरे साथी पहले से मौजूद थे और तय योजना के तहत सभी ने अन्ना को नोका फैक्ट्री परिसर के कुएं में फेंक दिया। अन्ना की मौत हो गई। 22 अप्रैल की सुबह अन्ना का शव मिलने पर पासवाली पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया। इसी बीच तहसील पुलिस ने अजमान को हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किया। अजमान और उसके परिजनों ने शाहिद से रंजिश का हवाला देते हुए अन्ना की हत्या करने की आशंका जताई। उन्होंने अन्ना द्वारा खुदकुशी किए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। तहसील और पांचवाली पुलिस जांच में जुट गई। सबूत और सूचना के अभाव में उसकी जांच अटक गई थी। इसी दौरान शाहिद को फायरिंग प्रकरण में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। वह शाहिद से सच्चाई नहीं पता लगा पाई। मोमिनपुरा में अपराधियों के अड्डे की जांच के दौरान पुलिस को हत्या में लिप्त लतीफ के रत्नागिरी में होने का पता चला। तहसील और पांचवाली पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उसने शाहिद और अन्य साथियों की मदद से अन्ना की हत्या की बात कबूल की। मृत्यूचा 22/4/2024 रोजी दाखल झाला होता, व्हेरी डेथ बॉडी मिळाली म्हणून। त्याच्यात बरेच संशय व्यक्त करत होते, परंतु जे साक्षीदार प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे किंवा मेडिकल रिपोर्ट आहे त्याच्यामध्ये काही नव्हतं। आणि काही दिवसांनी साक्षीदार पुढे आलेले, साक्षीदारांनी बयान आणते आणि तहसील पोलीस ठाण्याचा एक अहवाल आलेला आहे की त्यांचाही एक पॅरलल चौकशी सुरू होतं। तहसीलचे DB टीम, तहसीलचे अधिकारी आणि पाचपावलीचे DB टीम, पाचपावलीचे अधिकारी, तपासी अधिकारी त्यांच्या याच्यात निष्पन्न झालं की 302 झालेले आहे। त्याच्यात आम्ही साक्षीदारांच्या बयानानंतर, चौकशी अहवालानंतर गुन्हा दाखल करून एक आरोपी अटक केलेला आहे। त्याच्यात ऑलरेडी एक आरोपी दुसऱ्या प्रकरणात जेलमध्ये आहे आणि 4 आरोपी आहेत, त्यांचा शोध सुरू आहे। पैकी लवकरच त्या आरोपींची शोध घेऊ, अटक करू। तपासी अधिकारी API सोमवंशी आहे, त्यांना दिलेले आहे, ते पुढील तपास करीत आहे। मामले के तह तक जाए तो पता चलता है कि अन्ना ने कुएं से निकल कर खुद को बचाने का भरकस प्रयास किया था। आरोपियों ने उसे ऊपर आने ही नहीं दिया। उसके शांत हो जाने तक आरोपी कुएं के पास ही खड़े रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अन्ना की मौत पानी में डूबने से होने का उल्लेख था। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। ऐसे में बगैर सबूत की हत्या का मामला दर्ज करने से आरोपियों को लाभ मिल सकता था। इस वजह से पुलिस ने सबूत और गवाह जुटाने पर जोर दिया। पुलिस ने हत्या के साथ अपहरण, धमकाने तथा आपराधिक षड्यंत्र का भी मामला दर्ज किया है। बहरहाल जब इस मामले का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि किसी के आपसी रंजिश में निर्दोष की हत्या कर दी गई, जो वाकई में दर्दनाक बात है, जिससे अब पुलिस यंत्रणा साथ ही साथ समाज को सजग होने की जरूरत पड़ी है ताकि ये रंजिश नुमा वारदात कम हो सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।